आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज का व्लॉग हम अपनी बाइक से स्टार्ट करें, काफ़ी दिनों बाद इसको निकाला है। और सबको बता दूं मेरे पास वी स्टॉम बाइक है भाई, टूरिंग बाइक है, ये भी ऑफ रोडिंग करती है फुल। हमने इसके साथ लेह लद्दाख ट्रिप करा, बहुत बढ़िया। उसकी सीरीज में डाल नहीं पाया था भाई, अब मैं दोबारा करूँगा तो मैं जरूर डालूंगा। अब हम जा रहे हैं अपने मारुति के शोरूम, अपनी गाड़ी का काम हो गया, ख़त्म हो गया, छोटा बाइक है। तो उसको बताया गया कि भाई उसने देखा गया, सॉरी बताया नहीं गया, देखा उसने, वो कह रहा है कि भाई गाड़ी के अंदर दिक्कत है क्या, पेंट मैच नहीं हुआ। इन्होंने फ्रंट पार्ट पेंट करा, बोनेट फेंडर बम्पर, लेकिन बोनेट का रंग ही नहीं मैच। तो भाई देखते हैं बाकी क्या सीन है। भाइयों गाड़ी दिखाऊँ आप सबको, पहले तो क्या हाल है आप सबके, गाड़ी अपनी ये खड़ी भाई ठीक हो गई है, लेकिन क्या दिक्कत आई है, कलर मैच नहीं हो रहा, कलर मैच नहीं हो रहा, ऊपर से चार बारी पेंट हो चुकी है हमारी ये गाड़ी। कहाँ से ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से आपके सारा पोर्शन नजीब, और ये धारी खत्म कर दी हुई है चार बारी पेंट करके, इतना पेंट चढ़ा दिया वो लवली ने भाई साहब। थर्ड क्लास क्वालिटी है इनकी भाई, थर्ड क्लास क्वालिटी, आप सबके सामने गाड़ी देख सकते हो। और गाड़ी आई थी पिछले महीने की 17 तारीख को, और ये 17 आने वाली है, अभी तक इनसे ये तीन चीज़ों के कलर मैच नहीं हुए, देख लो भाई। और सबसे पहले नीचे देखो, इतनी ओवर मास्किंग कुछ नहीं करा गया, देखो ऐसे का ऐसे ही रख के पेंट मार रहे हैं। और मतलब कहने को ये कंपनी है, और कंपनी में थर्ड क्लास काम हो रहा है भाई, थर्ड क्लास। जो चीज़ आपके सामने दिखा रहा हूँ, बड़ी चीज़ ये रही कि हमने कंप्लेंट करी अभी ऑन कॉल, तो जिनके लवली ऑटोज हैं, जिनका सारा है, उनके अंडर पे ये काम हुआ अभी। ये गिनती के 25 मिनट में मारुति ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी खुशी है कि 25 मिनट में ये काम हो गया कि गाड़ी हमारी यहाँ से शिफ्ट करके, जहाँ पर काम बढ़िया, जहाँ पर सबसे पहला इनका था, वहाँ गाड़ी करी जा रही है। क्यों वहाँ पर जगह क्या होगा, दोबारा से रिपेयर और गाड़ी कह रहे हैं मंगलवार तक। छोटे छोटे डेंट दूसरे फेंडर पे भी डेंट डाल दिया है। चलो कोई नहीं, वो भी हो जाएगा सेटअप, देखते हैं बाकी जाके क्या क्या करके देंगे। भाइयों आज के दिन की शुरुआत, जैसे कि आप सबको पता था आपने आर्टिका वाली वीडियो देखी थी, तो भाई हमारी गाड़ी वापस हमारे पास अभी आई है, थोड़ा सा इसमें इशू आ गया, मैं वो उसके लिए जा रहा हूँ। लेकिन ये पार्ट आपको जो सा इशू आया ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे आए, क्या दिक्कत क्या हो गई थी। तो बाकी आज के इस वीडियो में आपको बताना जो मैंने जरूरी समझा था, वो मैंने घर पर बैठ के पार्ट शूट करा था आप सबके लिए, तो आप पहले जाके वो सब देख लो, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंटिन्यू करेंगे इस गाड़ी के साथ। कैसे हो आप सब, आप सबने देखा आर्टिका का मेरा जो काम हुआ है सारा पेंट के रिलेटेड हुआ, कंपनी ने सारा सत्यानाश कर दिया। ये वीडियो मैं तब जाके बना रहा हूँ जब मेरी गाड़ी का सब रिकवर हो चुका है सब, मतलब ना गाड़ी वहाँ से जलंधर बाईपास लवली ऑटो जोन सा मेन है उनका हाईवे वाला, वहाँ पर मैंने गाड़ी दी थी, वहाँ से उठा के अब उन्होंने अपने मेन ऑथराइज, यहाँ पर ये भी ऑथराइज था, मतलब जहाँ पर मेन सबसे पहला जो शोरूम था वहाँ पर, जहाँ पर टेक्नीशियन यहाँ पर पेंटर सब बढ़िया हैं, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी मंगाई और सारे पार्ट वापस रिप्लेस करे, क्योंकि मैंने उनको साफ बोल दिया, मगर मैंने तीन चीज़ें मेरी हुई है, बोनेट फेंडर बम्पर, ये मेरे को दोबारा पेंट नहीं कराने, क्योंकि उन्होंने 6 बार पेंट कर चुके थे भाई। कोई भी अगर मैं बाईपास वाले भाई किसी पे भी जाते हो पेंट करवाने, बॉडी वर्क का काम कराना है भाई, मैं तो कहूँगा सर्विस भी मत कराना उस तरह से, आप इनके लवली के डायरेक्ट नकोदर चौंक वाले पे चले जाना, वो सबसे बढ़िया, ठीक है, इस तरफ मत जाना, ठीक है। मैं तो कहता हूँ यार सीधी बात बोलूँ, मरवाहा में चले जाना, ठीक है। तो साहब 2-3 बातें, मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था बिल्कुल बैड एक्सपीरियंस रहा है, चलो ये बात को छोड़ो, होते हैं अब हम, कोई बात नहीं, ठीक हो गई गाड़ी, बढ़िया हो गई, अब चलाएंगे घर पे हंसी खेड़ से, है ना, भगवान का ये शुक्र है कि हम ठीक है, अब गाड़ी भी ठीक हो गई है, आराम से इंजॉय लेंगे। अब बात आती है जिमनी, जिमनी के अपडेट्स को लेकर सारे जने बहुत परेशान है। जिमनी अपडेट्स में एक आपको बता दूं भाई, हमारी जो गाड़ी करी गई है टोटल लिफ्ट करी गई है 5 इंच अलॉय व्हील्स के साथ मिला के, वो हो चुकी है 18 इंच, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो टायर दिया जाता है वो अलॉय व्हील मतलब व्हील्स और अलॉय का मिला के अराउंड वो बनता है 27 इंचिस के अराउंड का बनता है, और हमने डाला 31.2 इंचिस में, ठीक है। तो दूसरी चीज जो आ जाती है, अब हमारी गाड़ी के अंदर काम क्या चल रहा है, क्या गाड़ी कहाँ है, सब ये पूछ रहे हैं। गाड़ी अभी भी MMG पे है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि हाँ टेस्टिंग चलती है तब जाके चीज पास होती है, तो सारी टेस्टिंग पास कर चुकी है MMG ले भैया ने, जो मैंने एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा एड ऑन करा दिया, एग्जाम्पल की
कि उन्होंने अपनी गाड़ी पे स्टे बार बनाई थी बहुत सुंदर, जो कि मैंने उनको बताया मेरी गाड़ी के लिए भी आप तैयार करो, तो उसके लिए थोड़े साइजेस चल रहे थे। देखो 3 इंच का साइज अलग होगा, 5 इंच का साइज अलग होगा, हर चीज अलग हो जाती है। अगर आप 1 इंच भी, मैं कहता हूँ 1 mm भी गाड़ी अप करते हो ना, तो हर गाड़ी का नीचे से जो कंपनी ने एंगल्स दिए वो सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज को बचाने के लिए एक ये आपके सामने गाड़ी दिख रही है, जो गाड़ी आपको दिख रही है ना भाई, ये मल्टी लिंक सेटअप ही है, लेकिन ये प्रॉपर मल्टी लिंक सेटअप नहीं है, इसमें सिर्फ लिंक्स को करा गया है मल्टी, डेट सेट, और बॉडी को जैसे कि हम थार में, पिछली थार में जो आती थी हमारी 700 आती थी, 550 आती थी, इन सब में सिलिकॉन के गुटके, रबड़ के गुटके, लोहे के गुटके लगा के बॉडी भी अप कर सकते थे, ऐसा इन्होंने भाई मेरे ने करा है, जो इंडिया से बाहर से मेरे को मेरे फॉलोअर्स भेज रहे हैं। तो भाई ये हमारी गाड़ी सेम इतनी इंच लिफ्ट है जो आपको देखने को मिल रही है, लेकिन हमने बॉडी में नहीं करी, इसमें बॉडी रोल बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसलिए हमने जो जितना जायज है हमने वो काम करा, और गाड़ी की मैंने तो टेस्टिंग कर चुका हूँ, चला के देख चुका हूँ, 1 नंबर गाड़ी का रिस्पॉन्स था, और अब और ज़्यादा बढ़िया हो गया होगा, क्यों, क्योंकि इंडिया की फर्स्ट जो पैनड हमारी गाड़ी में जो फिट हुई थी उसके साथ साथ अब स्टेयरिंग्स भी आ गए हैं, वाना नीचे बहुत कुछ हो गया यार। मैं अगर आपके बात करना चाहूँ तो अगर बताना चाहूँ ना छोटे छोटे वर्ड्स में, शॉकर्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए भाई, लिंक्स हो गए, उसके बाद लिंक्स इन्वेंट हो गए, उसके बाद आ गई हमारी पैन आर्ट्स, आ गई पैन आर्ट्स लिंक्स आ गए, बहुत कुछ है भाई गाड़ी के अंदर, जो कि स्टेयरिंग आ गया नीचे अपनी पर, पहले शाफ्ट्स आ गई, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, और गाड़ी नॉर्मल जिमनी को छोड़ो भाई, अब तो नॉर्मल स्टॉक थार भी, थार बेशक जो 5 इंच लिफ्ट करी हो है ना, उस सब से भी भाई चैलेंज ले सकती है आराम से, जहाँ पर थार चढ़ती है वहाँ, जहाँ थार भी हाथ छोड़ जाएगी ना वहाँ पर अब जिमनी चढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब हमारे MMG वाले भैया के थ्रू है ना, सारी टीम के थ्रू हुआ है, कुछ गबरू भाई से भी बातचीत कर करके, कुछ यार देखो नॉलेज है ना, कुछ बंदा पीछे सीख के नहीं आता, नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है। तुम अगर मैं कहूँ ना 50, 60, 60 साल 90 साल के भी हो जाओगे तब भी तुम बोलोगे, वैसे आज के टाइम में 90 साल को जीता नहीं है, ठीक है, तो वो पुरानी जो खुराकें खाई हैं वही जी पाते भाई हम जैसे, तो मैं तो कहता हूँ कि उम्र ही मुश्किल से 60 टाप गए तो वही बड़ी बात हो जाएगी, तो क्योंकि हमारी खाना पीना वैसे हो चुका हुआ है। लेकिन भाई 60 साल की उम्र में भी अगर मेरे को जाके नॉलेज गेन करने को मिलेंगे मैं तो सीखूंगा, और आप, मैं यही चाहूंगा आप सब भी सीखो और आगे बढ़ो यार। अब कई वर्ड, कई लोग ऐसे बीच में आने वाले हैं जो कमेंट करेंगे जिमनी तो जिमनी है भाई, इसको तो क्या कर लेगा भाई, जिमनी जिमनी है, थार थार है, सारी गाड़ियां हैं, लेकिन सब गाड़ियों की पावर जो है ना तुम्हारे हाथ में, तुम क्या कर सकते हो, क्या चीज कर सकते हो। अब हमने बलैरो डाली थी, बलैरो में V8 इंजन डाला था भाई, अब कई गाड़ी लीगल है कि नहीं भाई, लीगल होता है, जाओ पेपर वर्क कराओ, तुमने इंजन खरीदा उसके पेपर आएंगे, गाड़ी के पेपर आएंगे, लगवाओ पास कराओ, हर काम होता है। ऐसे ही आप सबका सपोर्ट मेरे को बस चाहिए कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्दी आप सबके लिए एक सरप्राइज जोन सा, मैं कह रहा हूँ मेरे को स्पेशल जाना पड़ रहा है, टिकटें बुक हो गई हैं, स्पेशल जा रहा हूँ मैं जिमनी का सामान लेने, और बहुत मजा आएगा, आप लोगों को ऐसी ऐसी जिमनियाँ दिखाऊंगा ना वहाँ, मतलब वाट लग जाएगी अच्छी से अच्छी, ठीक है। तो टिलन भाई मिलते हैं आप सबको एक और मजा ब्लॉग के साथ, ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हाँ यार मारुति पेंट वर्क यार थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ काम कराना है मैं कहूँगा आउटसाइड से करा लो, ज़्यादा बढ़िया, इंश्योरेंस के चक्कर में मत ही जाना, चंगा बाय, मिलते हैं।